Good evening and welcome back to SKS classes. Good evening all. बहुत दिनों बाद फिर से आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़े से हमने चेंजेस करे, जैसे पहले एक पार्ट वाइज वीडियो आते थे तो यहां से आगे अब आप लोगों को मिलेंगे कंबाइन वीडियोस, जैसे कि इस वीडियो में आपको पूरा नाउन का सेक्शन मिल जाएगा। मतलब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस अब कंटिन्यूअसली बनाते रहेंगे, जिसमें पहले इस वीडियो में आपको पूरे नाउन पढ़ने मिलेंगे। चलते क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारी क्लास की इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन भी चलती है और यही क्लासेस के थ्रू आप लोगों के लिए हम वीडियोज लेके आ रहे हैं ग्रामर के। इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो अब आप सब लोग स्कूल में जा रहे हो, आप सबको पता है कि हमें इंग्लिश पढ़नी है। वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इट, वी ऑल नीड टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, बट हाउ? वी हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विद दैट ऑफ द ग्रामर सेक्शन। नाउ वी विल क्लियर द ग्रामर सेक्शन फॉर यू ऑल। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस अब आप लोग अपने अपने मोबाइल्स लेके बैठ गए होंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर सकते हो, क्योंकि अब ढेर सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं और आप भी हमारी फैमिली में जुड़ सकते हो। बहुत जल्दी वीडियोस अब डिफरेंट तरीके से बनाने स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास अब डिजिटल बोर्ड भी है तो फेस रिवील ऑलमोस्ट एक हो ही चुका है, ऐसे कह सकते हैं। तो अब एक डिफरेंट काइंड के वीडियोज के साथ हम आपके सामने आएंगे। बढ़ते हैं आगे। तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आपके डेली लाइफ में क्या होती है? आप सभी को स्कूल्स में इंग्लिश बोलना इतना ही काम नहीं है, लाइफ में आपको बहुत जगहों पे यूज करना पड़ेगा। कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा नॉलेज इंग्लिश में स्टोर्ड किया गया है, तो आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए टू कम्युनिकेट विद अदर्स। सो यहाँ कुछ पॉइंट्स है, आप जरूर पढ़ लेना। और बढ़ते हैं आगे, क्या टॉपिक चल रहा है? तो इंग्लिश ग्रामर हम लोग सीखने वाले, जिसका मेन इम्पॉर्टेंट क्या है? तो आज का इम्पोर्टेंट पार्ट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि पहले भी ले चुके हैं लेकिन अब आगे आगे बढ़ते हुए सारे चैप्टर्स हम कवर करने वाले। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलमोस्ट 8 वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम डिफरेंट लेसन, जैसे टेंस हो गया, आर्टिकल्स प्रॉपर डेप्थ के साथ लिया जाएगा। ये एमपीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी काम आएगा। लाइक जरूर करिए आप सभी लोग और शेयर करते रहना इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मराठी में क्या कहा जाता है? एक जनरल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। शब्दांश या जाति उसे कहते हैं। अगर हिंदी में देखें तो शब्द के भेद हो जाता है। याद रखिए, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, ये आप लोगों को याद रखना है। पार्ट ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस में जो अलग अलग वर्ड ज्वाइन करके बना होता है, उसके थोड़े थोड़े पार्ट और उनका अलग अलग काम होता है। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच कौन से है? तो हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड लास्ट हमारा जो एक कॉम्बिनेशन है, ये सभी 8 टाइप्स का, इसे कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। सो देयर वर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। बढ़ते आगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमें ले रहा है। व्हाट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, अब ये भी याद होना चाहिए, किसी को पता हो। ऑलमोस्ट आप में से बहुत सारे बच्चों ने स्कूल में पढ़ रखा है लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, इसीलिए आपको याद दिलाते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच है, वी कैन कैटेगराइज इंग्लिश वर्ड्स इनटू 8 बेसिक टाइप। सारे इंग्लिश के वर्ड, जैसे हम साइंस में मेल फीमेल बना देते हैं, लिविंग नॉन लिविंग कर देते हैं, वैसे ही इंग्लिश के वर्ड्स को 8 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है और उनको ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। उसका दूसरा नाम भी दे रखा है, उसे वर्ड क्लासेस भी कहते हैं, याद रखिए सिनोनिम। बढ़ते हैं आगे। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि इनके साथ राइट वर्ड राइट प्लेस पे यूज करना हमें आ जाता है। दिस हेल्प्स यू टू एनालाइज सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड देम। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू कंस्ट्रक्ट गुड सेंटेंस। ये सबसे जरूरी बात है कि सेंटेंस अच्छा बनाना भी हमें आ जाएगा और हमें समझना भी उतना ही आसानी से आ जाएगा। बढ़ते आगे। जैसे यहाँ कुछ लिखना है, आप सब लोग ये वीडियो में जितनी चीजें दिखाई जाएगी उतनी आप आराम से पॉज करके बाद में लिख सकते हो। सो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से, हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इसका नंबरिंग पे ध्यान मत देना कि कौन सा किसके बाद आ रहा है, इट डजंट मैटर। हम जैसे सिखाएंगे वैसे ही पूरे 8 तो सीखने ही है। आपकी स्कूल्स में आपको पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी एक स्टैंडर्ड में सिखाए नहीं जाते हैं, लोअर स्टैंडर्ड्स में।
हम सभी सिखा रहे हैं। और याद रखिए, इनके सब टाइप्स, नाउन के और टाइप्स पढ़ते हैं, प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ते हैं, हमें नाउन के चार पांच बता दिए जाते हैं, प्रोनाउन के चार पांच, लेकिन हमने नाउन के ऑलमोस्ट 12, जो यहाँ पर लिखते हैं 12, और प्रोनाउन के भी हमने अराउंड 12 टाइप्स, ऐसे करते करते पूरा इंटरजेक्शन तक सारा पार्ट कंप्लीट करा हुआ है। और एक एक वीडियो वाइज आपको सभी चीजें मिलने वाली है। बढ़ते हैं आगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे याद रखे विद द एग्जाम्पल्स, एकदम बेसिक वाली पोयम है, प्राइमरी स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को मिलती है, लेकिन हम सबके काम की है। एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन, एज फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। नाउन के एग्जाम्पल्स, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स उसके नीचे वाली लाइन में ब्लू कलर से शेड करके दिए हैं। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स, ये हो गए डेफिनेशन, एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स, इसमें ही एंड शी प्रोनाउंस है। नेक्स्ट, द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द थिंग एज मैजिक वैंड और ब्राइडल रिंग। द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन एज रीड एंड राइड एंड जंप एंड रन। How things are done, the adverbs tell as quickly, slowly, badly. Well, the preposition shows relation as in the street or at the station. Conjunction join in many ways, sentence, word or phrase and phrase. The interjection cries out, hark, I need an exclamation mark. यहाँ blue color इस वाले word को same line में ही दे दिया गया है, so वो उसी का example आता है। वैसे ouch, how, ऐसे बहुत सारे examples हैं जो हम लास्ट वाले इंटरजेक्शन में पढ़ेंगे। तो अब आपको यहां देखने मिल रहा है कि ये सारी चीजें आपके एक पोयम में फिट हो गई, एट टाइप्स विद देयर ऑल एग्जांपल्स। इतनी पोयम लर्न करके आप जनरल में तो बता सकते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे और कौन से हैं। बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा जल्दी जल्दी। तो सभी वर्ड्स और टाइप्स के नाम हमें इंग्लिश, मराठी और हिंदी में मिल जाते हैं यहाँ पर लिखे हुए, तो हमें सीखना है नाउन जिसका मराठी मीनिंग नाम है, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रियापद, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन शब्द योग्य अव्यय, कंजंक्शन उपयान्वयी अव्यय, इंटरजेक्शन केवल प्रयोग। ऐसे इन्हीं की पढ़ाई हम इस वाले सेक्शन वीडियोस में, या तो इस वाले फर्स्ट हमारे एक ग्रुप ऑफ वीडियोस में करेंगे, जिसमें पहला वीडियो हमारा नाउन का होगा, फिर प्रोनाउन का, और 8 वीडियोस में हम ट्राई करेंगे कि फुल एंड फाइनल इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कंप्लीट कर दें। So, देखते हैं इनकी छोटी सी डेफिनेशंस और इंफॉर्मेशन एग्जांपल्स के साथ। नाउन क्या होता है, द नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस। जैसे रॉबर्ट हो गया नाउन, बास्केटबॉल गेम का नाम है, डॉग भी एनिमल का नाम है, पेरिस जगह का नाम हो गया, लॉस एंजलिस भी। इस तरह से आप लोगों को नाम मिलेंगे। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। इसकी डेफिनेशन इजी है, द वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह ले लेता है, ही शी इट दे यू, ऐसे कुछ वर्ड्स प्रोनाउन के। 12 टाइप के प्रोनाउन है हमारे पास, मतलब हंड्रेड्स ऑफ प्रोनाउन डिफरेंट है। बस ऐसे नहीं, हमें याद रखना ही शी इट जो जनरली और सबसे मोस्टली यूज होने वाले वर्ड्स हम प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, इज एनी एक्शन, कोई भी, जैसे प्ले वाली एक्शन, सिंग वाली एक्शन, राइटिंग, स्पीकिंग। सो एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। उसके बाद चलते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एन एडजेक्टिव इज अ डिस एडजेक्टिव इज डिस्क्राइब मोर अबाउट नाउन, द वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट नाउन और वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट वर्ड, किसी नाम, कौन इंटेलिजेंट है, लाइक आइंस्टाइन इंटेलिजेंट है, तो आइंस्टाइन की इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंट वर्ड ने दी, इसलिए ये एडजेक्टिव हो जाता है। हार्डेस्ट, टॉल, फैट, एक्सेट्रा। एडवर्ब्स क्या होते हैं, ये इसमें ही वर्ब लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ये वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड एडवर्ब एक्सप्रेसेस मोर अबाउट अ वर्ब, जैसे क्विकली, ही रन्स क्विकली, स्लोली, ही राइट्स स्लोली। तो ये राइटिंग वाली एक्शन को स्लो बता रहा है, रनिंग वाली एक्शन को क्विक फास्ट बता रहा है। इससे पता चला कि ये वर्ड्स एक्शन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। 6 नंबर, कंजंक्शन। यहां पर कंजंक्शन दिखता है, कंजंक्शन is used to connect two or more different words, जैसे दो या तीन words को, phrases को, sentences को जोड़ने के लिए जो use किया जाता है फेविकॉल की तरह, उन सबको conjunction हम कहते हैं, जैसे ये words आप लोग को दिख रहे हैं। preposition, इसमें position word को हम circle करेंगे और समझेंगे कि ये किसी चीज की position बताता है। preposition is a word used to show the relationship between the noun, जैसे in, on, about,
ये जब हम एक सभी टाइप्स को सेपरेटली सीखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। लास्ट में आपको मिलता है इंटरजेक्शन, जहां इंटरजेक्शन का मतलब एक ही याद रखिएगा कि उल्टा आए वाला मार्क जिधर है, एक्सक्लेमेटरी साइन जिसे कहते हैं, वो जहां दिखेगा वहां हमारे पास इंटरजेक्शन होगा। ऐसे हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर हो गए। अब ऐसे नहीं कि हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, फिर से एक बार बीच में आपसे सभी से रिक्वेस्ट हम करेंगे कि अगर अभी कोई पहले स्किप कर दिया है तो अब तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो, शेयर करना ना भूलो बाकी सभी बच्चों का। ये एक तरह से ग्रुप हमारा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे अटेंड करते हैं अलग अलग क्लासेस, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सभी से रिक्वेस्ट है आप भी शेयर करते रहिए, उन बच्चों तक ये वीडियोस को हमें पहुंचाना है जहां तक ये नॉलेज उनको नहीं पहुंचा। आई होप कि ये पढ़ के बच्चे क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे लाइफ में। एमपीएससी यूपीएससी ऐसी एग्जाम्स है जिन एग्जाम्स में इसी तरह का ग्रामर आता है, सो प्लीज शेयर जरूर करना। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा होगा, तो ऑब्वियस है कि नाउन होना चाहिए। अब नाउन में जैसे कि मैंने आप सबको बोला व्हाट इज अ नाउन, जस्ट द डेफिनेशन फॉर दिस, अ नेम गिवन टू एनी पर्सन प्लेस जगह, पर्सन भी हो सकता है, थिंग कोई चीज हो सकती है, एनिमल जितना क्लियर कर सको उतनी लंबी। अब मैं इसमें बर्ड भी लिखू तो वो तो एनिमल में आ ही गया, बट हम फिर भी लिखेंगे एक्सेट्रा इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल किसी का भी नाम लिखो, पर्सन में हम लिखेंगे राम, प्लेस में हम लिखेंगे इंडिया, थिंग में हम कोई भी टेबल ले सकते हैं, कोई डॉग एनिमल ले सकते हैं, ऐसे ये सभी किसी ना किसी के नाम है। हमने हर चीज को कुछ ना कुछ बुलाने के लिए नाम दे रखा है, चाहे वो टेबल चेयर रोड का पड़ा हुआ पत्थर हो, छोटा सा पार्टिकल, उसको भी हम सेल कहते हैं अगर लिविंग थिंग का है, और नॉन लिविंग का है तो एटम वगैरह हम कहते हैं। हर चीज को नाम दे रखा है उसे कहते हैं नाउन। नाउन का मतलब नाम होता है, नाउन का मतलब क्या होता है, नाम होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं जहां पर अब डेफिनेशन हमें मिलनी चाहिए व्हाट इज नाउन, जो मैंने पहले भी दे दी। व्हाट इज नाउन, सो आपको नाउन के डेफिनेशन यहां मिलती है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन एनिमल प्लेस थिंग और आइडिया, किसी भी चीज को दिया गया नाम हमारे लिए नाउन होता है। वस्तु कोई व्यक्ति है, कोई संस्थान है ना, वस्तु व्यक्ति वो स्थान यांचा नावाला नाम असे म्हणतात। अब स्थान मतलब जगह हो गई, ठिकान, कोई भी चीज जो आपके आस पड़ोस में, हर चीज को हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं। जैसे अब यहां देख सकते हो आप, यहाँ नाउन जो दिख रहा है, एवरी नेम वी कॉल अ नाउन, अ रोज, अ डॉल, अ हेन, अ क्राउन। अब एवरी नेम, हर चीज जिसका नाम है वो नाउन है, जैसे रोज नाम है वो नाउन है, डॉल नाम है वो नाउन हेन नाम है वो भी नाउन है, और क्राउन भी इस चीज का नाम है, उसी को नाउन कहते हैं। एवरी नेम इज अ नाउन। मराठी डेफिनेशन भी यहां पर आपको थोड़ी सी मिल गई। सो फाइनली नाउन आपको समझ आया होगा, तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और डेफिनेशंस के साथ। अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन एनिमल प्लेस थिंग और आइडिया, लाइक मैन, कॉलेज, हाउस, हैप्पीनेस, एनीथिंग। अ नाउन इज अ वर्ड फॉर अ पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया। नाउन्स आर ऑफन यूज विथ एन आर्टिकल, नाम हम आर्टिकल्स लगा के यूज करते हैं। द महात्मा गांधी, द सचिन तेंदुलकर, ही इज अ बॉय, बॉय भी नाउन है, एन एप्पल नाउन है, तो हम आर्टिकल्स लगा के नाउन यूज करते हैं। बट आर्टिकल हमेशा ही नहीं लगाया जाता, बट वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स ऑलवेज। हर नाउन के साथ आर्टिकल हमेशा लगेगा ही, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हाँ ज्यादातर हम आर्टिकल्स के साथ नाउन यूज करते हैं। अगर बढ़ते हैं आगे तो नाउन की प्रॉपर मराठी में डेफिनेशन आपको मिलती है, नाम है व्यक्तीच्या ठिकाण्याच्या किंवा वस्तूंच्या नामासाठी वापरले जाते। आपण कुठल्याही दिशेने पाहिले असता आपल्याला काही ना काही दिसते, त्या दिसलेल्या वस्तूला आपण ज्या शब्दाने बोलतो तो शब्द म्हणजे नाम।
आता लक्षात आलं असेल की आपल्याला काहीही दिसलं तरी त्याला आपण काहीतरी सांगण्यासाठी त्या गोष्टीचा उल्लेख करण्यासाठी जो शब्द वापरतो ते त्याचं नाव आहे, आणि त्याच्या नावालाच आपण नाम नाउन इंग्लिश मध्ये म्हणतो. हिंदी में डेफिनेशन, किसी भी व्यक्ति वस्तु जाति भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे मनुष्य है, जाति का नाम हो गया अमेरिका, भारत स्थान का नाम हो गया बचपन, मिठास भाव हो गए, किताब टेबल इत्यादि वस्तुएं हैं, और इन सभी के नामों को ही हम संज्ञा यानी नाम या नाउन कह सकते हैं. तो ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई. कुछ एग्जांपल्स दिखाई देंगे यहाँ पर, जैसे पीपल्स में अनीता का नाम ले सकते हैं, प्लेसेस में फॉरेस्ट हो सकता है, एनिमल्स में एलिफेंट हो गया, थिंग्स में फोन ले सकते हो. और ये सभी अलग अलग तरह के नाउन है, मतलब पीपल नेम, प्लेस नेम, एनिमल नेम्स, थिंग नेम्स, ऐसे आपके पास ढेर सारे नाम है. तो इसकी कुछ लिस्ट आपको यहाँ मिलेगी. अ नाउन इज जस्ट नेम, अ नाउन इज जस्ट अ नेम, अ नेम ऑफ समथिंग, ऑफ अ समथिंग और समबडी. तो ये नाउन आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, पीपल्स, रॉन, लायन, टीचर, थिंग्स, एप्पल, बैग, एक्सेट्रा, प्लेसेस, स्कूल, कॉलेज, फीलिंग्स में लव, हेट, अमेजमेंट, सब्जेक्ट, एक्टिविटीज, कंसेप्ट्स और क्वालिटीज, इसके एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर. और भी एग्जाम्पल्स कलेक्ट करके लिख सकते हो. बढ़ते आगे, यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने सेट करे हैं, या तो वर्ड्स हमने निकाले जिसे नाउन कह सकते हैं. अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो जरूर ढूंढ लेना, मे बी कभी कभी रह जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाते हैं. अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हमें फिर से एक बार एक रिवीजन करनी पड़ेगी कि हम क्या सीख रहे हैं. तो हम टाइप्स ऑफ नाउन सीख रहे हैं, जिसमें अब रिविजन्स में मतलब कि हम नाउन कहां से लेके आए हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन था, तो अब नाउन के भी टाइप्स पढ़ते हैं. अब आपकी स्कूल में आपको टाइप्स ऑफ नाउन कितने बताए हैं, जैसे यहां दिख रहा है आपको, एक है प्रॉपर नाउन, दो है कॉमन नाउन, तीन कलेक्टिव नाउन, चार नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांच नंबर मटेरियल, ऐसे और एक आधे दो. मोस्टली आप लोगों को, अगर मेरा क्लास आपने अटेंड नहीं किया है, तो हार्डली आपको 6 या 7 पता होंगे, जिसमें से याद बहुत कम रहते हैं, है कि नहीं? तो अगर आपको इससे ज्यादा नाउन्स जानने हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पहले 5 एग्जाम्पल्स की, या तो 5 टाइप्स की डेफिनेशंस और एक आपको इन्फॉर्मेशन यहां मिल जाती है. आप ये नोट कर सकते हो, ये शॉर्टकट आपके लिए रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा. अब जैसे प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी फिक्स चीज को दिया तो प्रॉपर नाउन. जैसे बॉय बोला तो पता नहीं, लेकिन राम बोला तो फिक्स लड़का हो गया. कंट्री बोला तो कौन सी फिक्स नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है, लेकिन अगर इंडिया बोला तो ये प्रॉपर नाउन हो गया. कॉमन नाउन अभी हर किसी को देते हैं, हम एक ही नाम से सबको बुलाते हैं, डॉग बोला तो सारे दुनिया के डॉग आ जाते हैं. इसीलिए बुक कौन सी है पता नहीं, कार भी किसी को भी कह सकते हैं, टेम्पल हमारे पास, टेम्पल को परफेक्ट नाम भी होते हैं हमारे पास प्रॉपर, इस वजह से कॉमन नाउन को हम जनरली कहीं पर भी यूज करते हैं. कलेक्टिव नाउन, इट शोज द कलेक्शन, एक नाम से बहुत सारी चीजें जब पता चलती हैं उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. ग्रुप ऑफ थिंग्स, जैसे बटालियन, आर्मी, वर्ड एक है, आर्मी कभी एक आदमी की नहीं हो सकती, ढेर सारे सोल्जर्स की होगी, इसीलिए उसको कलेक्टिव नाउन कह देते हैं एक ही बार में. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो दिखाई नहीं देता, इसका मतलब आपकी 5 सेंस अगर उसे पहचान नहीं सकती तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का मतलब दिखाई भी नहीं देगा, टच भी नहीं कर सकते, स्मेल भी नहीं कर सकते, तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल एंगर, किसी का गुस्सा दिखाई नहीं देता, उसने गुस्से में क्या किया वो दिखाई देता है. हैप्पीनेस, किसी का नहीं, कोई मैं रो रहा हूं और बहुत खुश हूं, फिर क्या पता चलेगा हैप्पीनेस का आपको. मटेरियल नाउन, जो आस पड़ोस की चीजें हैं वो किस चीज से बनी है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं. लाइक मनी हो गया तो वो आप एल्यूमिनियम कह सकते हो, गोल्ड कह सकते हो, ऐसी बहुत सारी मटेरियल नाउन्स आपको यहाँ देखने मिलते हैं. अब आपको मैं आगे लेके चलता हूं, तो ये स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो कि कुछ ज्यादा ही टाइप्स के नाउन आ गए. कितने हैं, नंबर दीजिए, तो अब पता तो चल गया कि 10 है, 6, 7, 8, 9 और 10. अब बाकी और कौन से सीख रहे हैं हम, और भी कुछ टाइप्स है जो हम लोग आपको और 2 टाइप्स है जो इसमें इंक्लूड करके पढ़ाने वाले हैं, तो वो टोटल हो जाएंगे 12 टाइप्स.
अब ये सभी इंफॉर्मेशन में आपको सारे नाउन्स पता चलते हैं, काउंटेबल किसे कहना है, कंपाउंड नाउन किसे कहना है, कलेक्टिव किसे कहना है, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, और कौन से आएंगे? पजेसिव नाउन इसमें नहीं है। ऐसे ही कुछ नाउन होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें से फर्स्ट अब आपका टाइप नंबर 1 एंड 2। अभी कैसे कॉम्बिनेशन है दो दो टाइप्स के, सीखने में इजी हो जाता है और जल्दी खत्म हो जाता है। पहला और दूसरा टाइप कौन सा मिलेगा? तो हमें मिलेगा कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। एक सीखा, दूसरा समझ में आ जाता है। व्हाट इज कॉमन नाउन? तो यहां आपको मिलता है कॉमन नाउन, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे कम एट बिगिनिंग। कॉमन नाउन्स कौन से होते हैं? किसी भी चीज को, किसी भी चीज के साथ, आदमी, कोई एनिमल है, उनको दिया गया जनरल नेम, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। वो कैपिटल में नहीं लिखते हम। अगर वो सेंटेंस के स्टार्ट में आया तो आपको पता है सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल लिखा जाता है। लेकिन प्रॉपर नाउन किसी को भी नहीं देते, फिक्स चीज को। दे आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल्स, प्लेसेस, थिंग्स। नाउ दे शुड ऑलवेज बी कैपिटलाइज, इनको हमेशा कैपिटल। ये बीच में आएंगे तो भी कैपिटल लिखना पड़ता है, स्टार्ट में आएंगे तो भी कैपिटल लिखना पड़ता है। कॉमन कैसे हुआ? स्टेट कॉमन है। अब ये स्टेट तो कोई भी हो सकती है। महाराष्ट्र बात करोगे तो ये फिक्स स्टेट हो गई। प्लैनेट तो कोई भी प्लैनेट हो सकता है। इसे सी का मतलब कॉमन, और ये हो गया प्रॉपर। प्लैनेट कोई भी हो सकता था, लेकिन जुपिटर एक फिक्स प्लैनेट है। डे कोई भी हो सकता है, मंडे, फिक्स हो गया प्रॉपर। मंथ कोई भी हो सकता है, कॉमन, फेब्रुअरी, प्रॉपर। वैसे कॉमन में इधर और कुछ वर्ड दिखते हैं, बॉय कॉमन हो गया, लेकिन एलन, जैसे यहां पर एलन है प्रॉपर नाउंस में, और यहाँ कॉमन कंट्री एंड बॉय दिया था कॉमन में। गर्ल, उषा, प्रॉपर नाउन हो गया। कंट्री कॉमन हुआ तो इंडिया प्रॉपर हो गया। सब्जेक्ट अगर हम कहते तो वो कॉमन हो जाता, लेकिन इंग्लिश अगर कहते तो हम यहाँ पर प्रॉपर नाउन, एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो फिक्स है। तो ऐसे कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपको मिलते हैं। जैसे कॉमन नाउन होगा मैन तो स्मॉल्स में लिखा जाएगा, लेकिन प्रॉपर नाउन है इस लड़के का लियाम, तो ये कैपिटल्स में लिखा गया। जैसे कॉमन डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर होता है, लेकिन अगर डॉक्टर जोन्स है, स्टार्ट में डॉक्टर आया इसलिए डी कैपिटल किया, लेकिन ये जोन्स बाद में भी आया तो भी कैपिटल, बिकॉज ये प्रॉपर नाउन है। कैसल कोई भी किला हो सकता है, लेकिन वॉरविक कैसल यहाँ पर, सॉरी, वॉरविक कैसल यहाँ पर डब्ल्यू और ये सी दोनों वर्ड्स कैपिटल कर दिए गए। और ऐसे ही आप लोगों को कुछ वर्ड्स और भी मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का। अब जनरली कॉमन एंड प्रॉपर हमने कंप्लीट किया। अब एग्जाम्पल्स आपके लिए ये लिख लेने हैं, मैन है, माउंटेन्स, फिर ये कॉमन नाउन्स है इधर वाले, और उसके साइड में प्रॉपर नाउन्स हमने दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स कुछ और वर्ड्स के आपको कॉमन एंड प्रॉपर के, अगर आप इसे लिखोगे और याद रखोगे तो ऑलमोस्ट आप लोगों को इनके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस आंसर करना बहुत इजी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगर कॉमन एंड प्रॉपर नाउन हम सेंटेंस में यूज करें तो वो कैसे लगेंगे? कुछ इस तरह। और अगर हम बढ़े आगे तो आपके लिए, अब ये आपके लिए राइटिंग के लिए दिया है सेंटेंस, जैसे रूबीना इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, हमें बाकी सेंटेंस से लेना देना नहीं। रूबीना इज अ प्रॉपर नाउन। आई फिनिश स्कूल लास्ट जून, अब जून फिक्स मंथ हो गया इसलिए प्रॉपर नाउन। नेहा एंड राहुल प्रॉपर नाउन। थोड़ा सा राइट साइड वाले 1 2 3 सेंटेंस में आ जाओ। हाउ मेनी बुक्स, अब ये बुक कौन सी है पता नहीं इसलिए कॉमन नाउन। तो इधर सारे कॉमन नाउन दिए और लेफ्ट में सारे प्रॉपर नाउन दिए, कोई बीच में कॉमन प्रॉपर मिक्स भी हो गया होगा तो उसे भी ढूंढना पड़ेगा। ये आपके लिए प्रैक्टिस है, आप लोग इसे सॉल्व करोगे एज होमवर्क। अब ये तो नाउन की पहले टाइप का होमवर्क हो गया, 2 पेजेस। अब बढ़ते आगे, तो अब पहले 2 टाइप का होमवर्क दे दिया, अब दूसरे 2 टाइप, टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स के बाद टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4 में आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट कौन सा होता है? इनविजिबल हम कहते हैं इसे, हमेशा याद रखो। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट आई है कि स्कूल में कुछ और ही पढ़ाया, और ये इनविजिबल नहीं होता। ये कॉन्क्रीट का मतलब सॉलिड है, जो दिखाई देता है, विजिबल कह सकते हो। बाय द वे, एक आपको बस आंखों से नहीं देखना है इसको। फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
An abstract noun refers to an idea or concept that does not exist in the real life or world. It cannot be touched, like freedom, sadness, permission. आपके पास पांच अलग अलग सेंसरी ऑर्गन्स है और इनमें से कोई भी अगर उस नाउन को नहीं पहचान सकता, दैट टाइम वो आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपकी आंखें देख नहीं सकती, हार्ट टच नहीं कर सकते, नाक स्मेल नहीं कर सकता, और कोई सैडनेस सुन नहीं सकता। सैडनेस वर्ड सुन सकते, किसी की सैडनेस को नहीं सुन सकते, इसीलिए ये सभी नाउन एब्स्ट्रैक्ट हो गए। वही कॉन्क्रीट नाउन किसे उसका उल्टा होता है। कॉन्क्रीट नाउन रेफर्स टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? फिजिकल, जो आपके आस पड़ोस में है, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, सच एज डॉग, जिसको टच कर सकते हो, अभी बार्किंग की आवाज आ रही होगी, अ बॉल, इसको भी टच कर सकते हैं, आइसक्रीम भी आप लोग टच कर सकते हो, देख सकते हो, स्मेल कर सकते हो, तो उसे कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। अब जैसे यहां देखिए कॉन्क्रीट नाउन में एप्पल कॉन्क्रीट है, कोई मैन है कॉन्क्रीट है, लेकिन हम लव देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट हुआ, पीस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आप लोगों को दिखाई देते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड कॉन्क्रीट नाउन आपका आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे और इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। जैसे कॉन्क्रीट नाउन्स, नाउन्स दैट कैन बी टच्ड, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब सॉलिड होएगा ना, और एब्स्ट्रैक्ट गायब, नाउन्स दैट कैन नॉट बी टच और सीन। जैसे हाउस को टच कर सकते हो, कॉन्क्रीट है, ट्रीज को टच कर सकते हो, कॉन्क्रीट, स्विंग, फेंस, डोर, एंगर, किसी का गुस्सा टच नहीं कर सकते, हैप्पीनेस नहीं टच कर सकते, नॉलेज नहीं टच कर सकते, देख सकते, ट्रस्ट को भी नहीं देख सकते, टच कर सकते, लव, आइडियाज, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट है। कैसे है? एब्स्ट्रैक्ट है। तो यहां से कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट का और थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ। अब यहां देखिए कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे कॉन्क्रीट है, टच कर सकते हो, देख सकते हो, और इधर वाले सारे के सारे वर्ड्स आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये ना दिखते हैं। मुझे बता दो, कोई दिखेगा कैसे? किसी के सर पे होता है क्या क्लेवर? उसके मार्क्स बताएंगे वो क्लेवर है। रोड पे पड़ा हुआ कोई क्लेवर है? कैसे पता चलेगा? सो ये आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो देखी जा सके, और ना ही वो कोई ऐसी सॉलिड चीज है जिसे टच किया जा सके, स्मेल किया जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं। दैट्स व्हाई एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉमन का यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश कंप्लीट किया। कॉन्क्रीट नाउन्स देखिए, बेबी, ट्री, फ्लावर, वाटर, कंप्यूटर, एलिफेंट, ये लड़का नहीं है, मतलब लड़का जो लिख रहा है वो तो डीएबी, आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट हाँ वो लड़का कॉन्क्रीट है, अभी इतना कह सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कॉन्क्रीट के एग्जाम्पल्स, आपको सी फॉर कॉन्क्रीट लिखना है और ए फॉर एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। अब ये जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है, कॉन्क्रीट है क्या एब्स्ट्रैक्ट, आप सॉल्व करिए। अब 100 कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपको यहाँ पर दे रखे, पता तो चले कि कौन से एब्स्ट्रैक्ट है जिनको एब्स्ट्रैक्ट कहना दिखाई नहीं देते। तो ये बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर हमने दे दिए आपको। अब इसके बाद फिर से एक वर्क आ गया, इसमें भी वही करना है, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट को आपको सी एंड ए करना है, और अंडरलाइन करके रखा हुआ है ये सारा, तो आपको बस उस पर देखना है। लव, अब जैसे मैंने बोल दिया कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, हैमस्टर ये एनिमल है, ये कॉन्क्रीट है, ऐसे मैं सॉल्व करूंगा। कॉन्क्रीट नाउन्स की भी तो लिस्ट होनी चाहिए, ये कॉन्क्रीट की वापस आ गई। आप लोग को ये बाद में पॉज करके वीडियो को आराम से लिखना है, हमें ये थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड कर रहे हैं हम लोग। कॉन्क्रीट नाउन्स की लिस्ट है, अब और एक एक रीड करके सेंटेंसेस है जिसमें आपको क्या करना है। कॉन्क्रीट नाउन देखिए, अंडरलाइन द कॉन्क्रीट एंड सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट को अंडरलाइन करिए, आई फेल्ट पेन व्हेन डेंटिस्ट टुक माय टूथ आउट, टूथ अंडरलाइन द कॉन्क्रीट, टूथ कॉन्क्रीट हुआ, डेंटिस्ट बेचारा कॉन्क्रीट हुआ। अब लेकिन पेन, दर्द होता है, वो दिखाई नहीं देता, किसी बाहर के लोगों को नहीं दिखता, इसलिए उसको सर्कल किया। कुछ ऐसे आप लोग इस होमवर्क को सॉल्व करोगे। और अब चलते हैं टाइप नंबर 5 और 6। देखिए ऑलमोस्ट 4 टाइप्स कंप्लीट हो गए, 5 और 6 नंबर का आधा काम यहाँ पर हो जाएगा। 5 और 6 नंबर की कौन से टाइप्स है, तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब ऐसा नाउन जो काउंट किया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर काउंट कैसे करना है, जैसे मैं बताऊं वैसे ही आपको उसे मेजर करना है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, जैसे बता रहे। काउंटेबल को आप लोग 1 2 3 ऐसे ही काउंट करोगे, मेजरिंग वाले किसी और डिवाइस से काउंट नहीं करोगे, हम इसे नंबर्स में काउंट करेंगे। और अनकाउंटेबल उन्हें कहते हैं जिन्हें काउंट नहीं कर सकते। लेट्स सी दैट।
काउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं पहले? काउंटेबल नाउन्स आर फॉर थिंग्स वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स, दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। काउंटेबल चीजें सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है। जैसे वन होगी तो वन बॉल, एंड ज्यादा होंगे तो टू बॉल्स बोलना पड़ता है। जो चीज प्लूरल हो सकती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, वो ही काउंटेबल है। ऐसे भी आप शॉर्टकट याद रख सकते हो, जैसे शी हैज थ्री डॉग्स। अब देखो ये थ्री वाला मैंने बोला था, 1 2 3, ऐसे ही गिनना। लीटर में, किलो में, मीटर में, किलोमीटर में, किसी भी चीज में नहीं गिनना है। वो यूनिट्स लगाने नहीं है हमको, किस में गिनना है, बस 1 2 3 ऐसे गिनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आई ओन अ हाउस, अ का मतलब वन होता है, एक घर है, दो होते तो हाउसेस बोल देते। आई वुड लाइक टू लाइक टू बुक्स प्लीज। देखिए टू बुक्स, दो किताबें हमने गिना। अनकाउंटेबल एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर फॉर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट विद द नंबर्स। जैसे लिक्विड वाटर को मेरे को गिन के दिखा दो, कोई बोल सकता है क्या? वन वाटर, टू वाटर, वन ग्लास वाटर कहने का मतलब हमने ग्लास गिना, वाटर नहीं। मुझे मिल्क गिन के दिखा दो, वन मिल्क, टू मिल्क, 1 2 3 में काउंट करके गिनो, कोई और नहीं, कोई दूसरी ट्रिक मत लगाओ। 1 2 3 में जो चीज गिन सकते हो वो काउंटेबल, जो नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। लेट्स सी दैट, कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पर वही मिल गए। और आगे बढ़ते हैं, जैसे देखो लेमन गिन सकते हैं 1 2 3, काउंटेबल है। पिज्जा गिन सकते हो, काउंटेबल है। क्रोकोडाइल गिन सकते हैं, काउंटेबल है। मिल्क नहीं गिन सकते 1 2 3 1। फर्नीचर ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है, आप एक भी लाओगे फर्नीचर है, 10 चीजें लाओगे तो भी फर्नीचर है, इसको भी हम वन फर्नीचर टू फर्नीचर नहीं कह सकते। स्ट्रेंथ ताकत को 1 2 3 में नहीं गिना जा सकता। सो याद रखिए, काउंटेबल्स कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेबल कैन नॉट बी। अब आर्टिकल किसके सामने लगाएंगे? ओनली काउंटेबल, जिसको गिन सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स आर फॉर काउंटिंग थिंग्स, गिनने के लिए आर्टिकल लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की इमेजेस में थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो चीजें काउंट होती है ब्लू कलर में लिखी हुई है, अनकाउंटेबल जो चीजें काउंट नहीं होती। अब आप बोलोगे सर ये तो ब्रेड है, याद रखिए ब्रेड काउंट नहीं होता। आप बोलोगे सर मैंने तो 2 स्लाइस ब्रेड खाया, आपने स्लाइस गिनी है उसकी। ब्रेड को, ये पूरा लॉफ्ट होता है उसको ब्रेड कहा जाता है, तो ये नहीं गिना जा सकता 1 2 3। आप जो खा रहे हो वो स्लाइस होती है, ये कैडबरी अलग है, ये आपके लिए चॉकलेट, और वो अलग टर्म्स आती है। आप टॉफी गिनते हो, चॉकलेट नहीं गिनते, ठीक है? तो ऐसे आप लोगों को प्रॉपर नाउन्स इसके ढूंढ के आपको चेक करना पड़ेगा काउंटेबल है कि नहीं। अब ये आपके लिए कुछ काउंटेबल अनकाउंटेबल की लिस्ट, आप देखिए कौन सी चीजें काउंटेबल है, कौन सी चीजें नहीं काउंटेबल है, ठीक है? अब यहां आपके लिए थोड़ा सा सीडब्ल्यू है, एचडब्ल्यू। अब यहां काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है आपने लिखना है। ऑलिव्स काउंटेबल है कि नहीं है, एप्पल काउंटेबल है कि नहीं है, एक लेटर में लिखी है या फुल फॉर्म में लिखी है, एज यू विश। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट रिवीजन काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए। काउंटेबल नाउन उन्हें गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन उन्हें गिना नहीं जा सकता। कैन बी काउंटेड काउंटेबल्स, कैन नॉट बी काउंटेड अनकाउंटेबल। लाइक एन एप्पल, एक एप्पल, अ स्कूल, एक स्कूल, अ वन पिक्चर, एक पिक्चर, दो पिक्चर, ऐसे भी हम गिन सकते हैं। शुगर को हम गिन नहीं सकते, वन शुगर टू शुगर नहीं होता, वन राइस टू राइस नहीं होता, कोई भी लिक्विड भी ऑलमोस्ट हम गिन नहीं सकते। इंफॉर्मेशन को गिन नहीं सकते हैं, वॉटर नहीं गिन सकते। आई कैन टेक सिंग्यूलर, देखिए सिंग्यूलर भी होते हैं, प्लूरल वर्ब्स होते हैं, और ये ऑलवेज नॉर्मली सिंग्यूलर ही होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं होमवर्क के लिए, ये सारी लिस्ट ऑफ वर्ड्स में से आपने क्या करना है, सॉरी, सो आपको इस लिस्ट में से क्या करना है कि ये लिस्ट में जो वर्ड्स काउंटेबल है और वो अलग अलग लिखने हैं, ठीक है? चलिए अब ये कुछ और वर्ड्स हैं, इसमें भी आपको काउंटेबल कौन से, अनकाउंटेबल कौन से, वो ढूंढना है। अब यहाँ होमवर्क बहुत सारा दे रखा है, जैसे अब ये राइस वर्ड है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल आप ढूंढोगे उसे, ठीक है?
जैसे काउंटेबल होगा तो काउंटेबल पे टिक करिए, अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल पे टिक करिए, ऐसे आप लोग इसे सॉल्व करोगे। कुछ और वर्क इंपॉर्टेंट है काउंटेबल अनकाउंटेबल, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। बैट और बॉल काउंटेबल चीजें हैं, गिनी जा सकती है। अब ऑलमोस्ट हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल कंप्लीट कर लिया है, आगे का आपके लिए जो टाइप आएगा वो नाउन का टाइप नंबर 7 रहेगा। अब 7th नंबर का टाइप कौन सा है? इससे पहले हमने 6 टाइप्स कंप्लीट कर लिए, 7th नंबर का टाइप कौन सा है पहचानिए। इससे जैसे यहां पर हैंड दिखाया है, एक वर्ड है, बैग दिखाया दूसरा वर्ड है, दोनों को जोड़ के बन गया हैंड बैग। तो ये जो दिख रहा है आपके लिए, ये हैंड बैग ज्वाइन करके बनाए वर्ड, हैंड वर्ड और बैग वर्ड। देखिए ये सारे वीडियोस 9 अराउंड नाउन के टाइप्स के आपके चैनल पे हमारे पहले ही अवेलेबल है, बट अब एक वीडियो में हम सब कुछ यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अब यहाँ ये क्या है, तो सन है, और अगर मैं इसे जोड़ दूँ ग्लास या तो ग्लासेस वर्ड्स के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, सन ग्लासेस। ये हो गया आपके लिए एक कंबाइंड वर्ड। तो अब कुछ तो आइडिया समझ में आ रही है कि दो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वर्ड्स है उनसे तीसरा वर्ड बनाना है, उसका मतलब अलग होगा। तो क्या है, जैसे देखिए मूनलाइट बन गया मूनलाइट, की एंड होल बन गया की होल, पैन एंड केक बन गया पैन केक। पहले दोनों वर्ड से अलग मीनिंग का नया वर्ड बन रहा है यहाँ पर। अब ये टाइप कौन सा है 7th का, अभी 7th नंबर हमने अभी भी बताया नहीं, वो टाइप है आपके लिए कंपाउंड नाउन। कौन सा है, कंपाउंड नाउन। जैसे उसकी डेफिनेशन आपको यहां पर मिल जाएगी, नाउन मेड अप ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स, पहले से रहने वाले दो या दो से ज्यादा वर्ड से बनने वाले नाउन को कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब अगर आगे बढ़े हम तो आगे भी कुछ चीजें पता चलती हैं। एग्जाम्पल लाइक कैट फूड, कैट एंड फूड दो वर्ड थे, प्ले ग्रुप, प्ले एंड ग्रुप दो अलग वर्ड्स थे। अब यहां पर आपको और थोड़ी बेसिकल इंफॉर्मेशन मिलती है कुछ वर्ड्स के साथ। जैसे देखिए ब्रेक वर्ड है और फास्ट है। अब देखो कोई चीज ब्रेक करनी है तो तोड़ना है, फास्ट मतलब तेज है, वैसे ये चीज तो तेज नहीं दौड़ती है बट हमने इसे यूज किया फोटो में। अब देखिए ब्रेक एंड फास्ट का अगर वर्ड बनाते हैं तो ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता हो गया, ये कुछ अलग ही वर्ड बन जाता है। हेयर कट, हेयर एंड कट, आइसक्रीम, आइस एंड क्रीम, रेन फॉरेस्ट, फुटबॉल, एयरक्राफ्ट, बाथरूम, सेल्फ स्टीम, एग प्लांट, सॉफ्टवेयर, आर्म चेयर, फायरमैन। यहां ठीक से देखोगे तो कुछ वर्ड्स के बीच में स्पेस है, कुछ वर्ड्स के बीच में स्पेस है और कुछ वर्ड्स के बीच में डैश आता है, मतलब कुछ स्पेस वाले वर्ड भी कंपाउंड नाउन है, विदाउट स्पेस वाले वर्ड्स भी कंपाउंड नाउन है और डैश वाले वर्ड भी कंपाउंड नाउन। अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, ऐसा नाम जो दो या दो से ज्यादा नाउन या डिफरेंट वर्ड से बनता है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे आप लोग यहाँ देखिए कंपाउंड नाउन की एक और डेफिनेशन, अ कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इंक्लूड्स टू और मोर देन टू, दो से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, तीन वर्ड से भी बन सकता है, वो ऐसे नहीं कि दो ही चाहिए। जैसे बाथरूम, चॉपस्टिक, होमवर्क, असेंबली लाइन, यहां देखिए स्पेस वाले वर्ड्स अलग दिए हैं, विदाउट स्पेस वाले और हाइफन वाले जिसे मैंने डैश कहा था। अ कंपाउंड नाउन इज अ सिंगल नाउन मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, जैसे सी एंड फूड से बनता है सी फूड, यहाँ आइसक्रीम स्पेस वाला है, मदर इन लॉ तीन वर्ड्स वाला है, तो तीन वर्ड से भी बन सकता है एक कंपाउंड नाउन, दो से भी बन सकता है, ज्यादा से भी बन सकता है। आगे आपके लिए कुछ वर्क, अब आपको ये इमेजेस, छोटे बच्चे भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, लेकिन माइंड में सेट हो जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए कि डिफिकल्ट एग्जाम्पल ही सॉल्व करें, हमें ये चाहिए कि कंसेप्ट याद रहे कंपाउंड नाउन क्या चीज है। तो इन सारी चीजों से आपके माइंड में फ्रेशली याद रहेगा कि हाँ कंपाउंड नाउन का मतलब दो वर्ड्स को जोड़ के जो नया नाम बनता है, दो पहले नामों को जोड़ के। सो ये आपके लिए प्रैक्टिस समझने के लिए जरूरी है, तो इसे बड़े भी सॉल्व कर सकते हैं छोटे भी। याद रखिए एमपीएससी वाली एग्जाम्स के टेस्ट पेपर हम बनाते हैं और हमारे ऐप पे डालते हैं, थर्ड फोर्थ वाले बच्चे भी 80-90% लेके आते हैं। कंपाउंड नाउन की लिस्ट यहाँ पर मिल रही है, लर्न कर लेना, लिख लेना, तो कंपाउंड नाउन की प्रैक्टिस होगी। और थोड़ा सा होमवर्क,
अब ये जो वर्ड से जोड़ के जो नया वर्ड बनता है उसे आपको आगे लिखना है। 15 क्वेश्चन है इसमें, बढ़ते हैं आगे। तो अब 7 टाइप्स कंप्लीट हो गए। टाइप नंबर 8, नाउन का टाइप नंबर 8। थोड़ा सा हमने एक ट्राई किया इस वीडियो में कि जल्दी जल्दी और सारी चीजें आपको प्रॉपरली एक वीडियो में बैठ के मिल गई तो आप पूरा नाउन पढ़ के स्कूल में चले जाओगे। मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा लाइक्स का तो हम जरूर जल्दी जल्दी वीडियोज लाए। जितने व्यूज और जितने लाइक ज्यादा उतने वीडियोज जल्दी आए। दूसरी ट्यूशन को छुट्टी देके बनाएंगे। नाउन का टाइप नंबर 8 कौन सा हो सकता है? अब ये तो फिर मिल्क वाटर, तो अभी थोड़ी देर पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल देखा था। अब ये मिल्क वाटर शुगर वुड राइस समझ नहीं आया कुछ। चलिए देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स में समझ आता है क्या। तो नहीं, डायरेक्टली इसका नाम पता चल जाएगा, मटेरियल। हाँ तो ये थे मटेरियल से, डिफरेंट चीजें थी। तो मटेरियल नाउन्स यहां पर हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का टाइप है। डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन इज मटेरियल नाउन इज अ ग्रामर टर्म दैट रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। चीजें जिन जिन मटेरियल से बनती है, जिस सब्सटेंस से बनती है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आपने पहने हुए कोई ऑर्नामेंट्स होंगे, सिल्वर से बनते हैं, गोल्ड से बनते हैं, मटेरियल गोल्ड और सिल्वर हुआ। आयन से बनी हुई चीजें, आयन मटेरियल है। कॉटन से बने हुए कपड़े, कपड़े हमारे पास है चीजें लेकिन बना कॉटन से, इसलिए मटेरियल हुआ कॉटन। रिंग पहनी है डायमंड की तो डायमंड मटेरियल है। प्लास्टिक से बनी हुई चेयर है, चेयर कहोगे लेकिन हमें प्लास्टिक यूज करा है तो इसका हमें प्लास्टिक मटेरियल बोलना पड़ेगा। तो जिन सब्सटेंस को यूज करके कोई चीज बनती है उसे मटेरियल कहेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन इज प्रोटीन। प्रोटीन से भी बहुत सारी चीजें बनती है। जैसे देखिए मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स, राइस शुगर वाटर मिल्क, नेम ऑफ अ सब्सटेंस एज अ होल। अब ये आपके पास राइस को राइस ही कहते हैं। राइस किसी चीज के लाके ऐसे बनाया नहीं कि गोल्ड से राइस बनाया है ना। वाटर वाटर है, मिल्क मिल्क है, शुगर शुगर है। आप बोलोगे सर गन्ने से बनाया, लेकिन गन्ने में थोड़ी शुगर पड़ी होती है जो गन्ने से निकाली, उसमें से जो पानी था वो ऐसे सूख के शुगर बन गया, ऐसे कह सकते। तो यहाँ कुछ मटेरियल नाउन्स है, उसमें से कुछ नाउन्स जनरल है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ज्वेलरी कोई मटेरियल नाउन है क्या? नहीं, लेकिन बनता किस चीज से? ये गोल्ड से, ऐसे आपको देखना। मटेरियल नाउन्स किसे कहते हैं? द नेम ऑफ अ सब्सटेंस विच द थिंग्स आर मेड ऑफ। वुड चेयर बनी है, कार्डबोर्ड से बॉक्स बना है, ब्रिक और सीमेंट से हाउस बना है, इसे मटेरियल कहते हैं। पेपर से बुक बनी है, पेपर मटेरियल है। लेदर से बैग बनी है, लेदर मटेरियल है। प्लास्टिक से कप बना है, प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट नाउ। इजी टाइप से थोड़े से मटेरियल नाउन्स, नेचर में कौन सी चीजें मिलते हैं? वाटर एयर सिल्वर गोल्ड नेचर में मिलते हैं। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल, एनिमल से एग मिलता है, मीट है, हनी है, मटेरियल्स है। मटेरियल नाउन्स में प्लांट से मिलने वाली चीजें कॉटन फूड ऑयल वुड, ये मटेरियल्स है। मैनमेड भी मटेरियल है, एसिड मैनमेड है, अल्कोहल है, एस्फाल्ट है, ब्रिक है, सीमेंट है, बटर है, एक्सेट्रा। बहुत सारे मटेरियल नाउन्स हमें यहाँ देखने को। रिपीट करूंगा कि मटेरियल नाउन वो होता है जिससे हमारे आस पड़ोस की चीजें बनी हुई है। लाइक मेरे आस पड़ोस में कोई लाइक कोई चीज बनी हुई है, कोई पोल बना है तो वो आयरन से बना हुआ, कोई चेयर बनी है स्टील से बनी हो सकती है, कोई मटेरियल चेंज हो सकता है, प्लास्टिक से बनी हो सकती है, लकड़ी से बनी हो सकती है। तो लकड़ी प्लास्टिक स्टील मटेरियल, चेयर मटेरियल नहीं होगा हमारे। एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन्स। अब सेंटेंस में भी मटेरियल नाउन को ढूंढना पड़ेगा। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। अब ग्लास कोई मटेरियल नहीं है क्योंकि ये हमारा पानी पीने वाला ग्लास है। कांच होता तो मटेरियल, सो मिल्क हमारे लिए मटेरियल हुआ। दीज टॉयज आर मेड फ्रॉम टफ प्लास्टिक, प्लास्टिक मटेरियल हुआ। शी वोर अ गोल्ड चेन अराउंड हर नेक। अब चेन पहनी है बट वो किस चीज से बनी है? गोल्ड से बनी है तो मटेरियल तो गोल्ड है। ऐसे हमारे लिए मटेरियल नाउन्स होते हैं और सेंटेंसेस में हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। तो इसी तरह आपको इस होमवर्क में भी क्या करना है, मटेरियल नाउन्स को सर्कल करना है। वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ, तो वाटर हमारा मटेरियल नाउन है। ऑक्सीजन मटेरियल नाउन। इस तरह आपको मटेरियल नाउन्स को यहां पर क्या करना है, सर्कल करना है। अब मटेरियल नाउन्स के बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको मिलेगा टाइप नंबर 9। कितने टाइप्स हो गए? प्रॉपर, कॉमन, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल हुआ। अब 8 टाइप्स हो गए, हम खुद भूल गए अराउंड, है ना। सो ऐसे नहीं है, रिवीजन कर लिया करो।
और सभी टाइप्स आपको याद आने चाहिए। कॉमन नाउन था, प्रॉपर नाउन था, काउंटेबल नाउन था, अनकाउंटेबल नाउन था, ठीक है, फिर मटेरियल नाउन था, फिर और सभी जितने टाइप सिखाए हैं एक के बाद एक याद आने चाहिए। मोटे मोटे टाइप्स याद रहते हैं लेकिन बाकी सभी टाइप्स याद रहते हैं। सो अब हम चलते हैं अगले टाइप पे। अ ग्रुप ऑफ थीव्स इज कॉल्ड टीम। अब यहां वर्ड टीम दे रखा है, गैंग दे रखा है, ये दोनों वर्ड मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसा वर्ड जो ग्रुप दिखाता है उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो चोरों के ग्रुप को क्या कहते हैं? गैंग कह देंगे हम। तो हमें पता चला कि गैंग वर्ड का मतलब कभी एक आदमी तो नहीं होगा, जैसे ये कौन है, एक प्लेयर है, ठीक है, अकेले की टीम तो नहीं होती। पिक्चर के ऊपर मत चले जाना, वन मैन आर्मी, हमें कोई लेना देना नहीं पिक्चर से। एक आदमी की टीम तो नहीं है, एक लड़का फुटबॉल की टीम नहीं बना सकता, तो टीम किसे कहेंगे? इसे इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्लेयर, एक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स आ जाए तो फाइनली इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टीम कहेंगे। इसका मतलब, टीम कहने का मतलब एक आदमी नहीं होता, उसका मतलब ग्रुप होता है, वो चार का हो सकता है, पांच का हो सकता है, दस का हो सकता है, व्हाटएवर, बट टीम का मतलब एक नहीं है। इसका मतलब टीम वर्ड हुआ आपके लिए कलेक्शन वाला वर्ड जो कलेक्शन दिखाता है। सो कलेक्टिव नाउन्स हम लोग सीख रहे हैं। लोगों के लिए कलेक्टिव नाउन जैसे गैंग ऑफ थीव्स है, एनिमल्स के लिए मर्डर ऑफ क्रोज है, अलग अलग वर्ड है। अभी मर्डर मतलब डिफरेंट वाला मर्डर है, ठीक है। अब यहाँ फ्लीट ऑफ शिप्स है, बहुत सारी शिप्स के लिए, एक फ्लीट कहना मतलब कलेक्शन है, एक मर्डर कहना मतलब कलेक्शन है, गैंग कहना मतलब कलेक्शन है। आपने ऐसे बोला पुलिस आ गई आपके घर पे, चोर आए थे, हाँ सर उधर तो गैंग आई थी, पता चला सीसीटीवी में देख के एक ही चोर था, हाँ तो सर फिर क्या हुआ, चोर तो चोर होता है, उसकी गैंग ही होती है। ऐसे नहीं, ग्रुप ऑफ थीव्स होगा तो ही गैंग कह सकते हैं। तो गैंग वर्ड कलेक्टिव नाउन है। अब आगे देखिए कुछ और कलेक्टिव नाउन्स। डेफिनेशन, वन वर्ड दैट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल थिंग्स। चीजों का ग्रुप, आदमियों का ग्रुप, एनिमल्स का ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप बताने वाले वर्ड को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी सोल्जर्स की होती, एक की नहीं, टीम ऑफ डक्स, टीम वर्ड ही यूज किया इधर तो। बंच ऑफ कीज, एक की नहीं होती है बंच में, बंच ऑफ ग्रेप्स भी कह सकते हो, बंच ऑफ फ्लावर्स कह सकते हो। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट डिनोट्स ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसा वर्ड है जो लोगों के ग्रुप को डिनोट करता है, दिखाता है। अब जैसे देखिए लिटर ऑफ किटन्स, ये लिटर वर्ड भी कलेक्शन दिखाता है। अब बंच ऑफ ग्रेप्स, मैंने थोड़ी देर पहले बोला ये बंच वर्ड कलेक्टिव नाउन है। जो चम्मच विम्मच हमारे घर में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कटलरी। और कटलरी का क्या होता है? सेट होता है, इसीलिए सेट वर्ड हमारे लिए एक के लिए नहीं होता, ये कलेक्शन दिखाता है, कलेक्टिव नाउन। अब आपकी आइडिया क्लियर हो गई होगी कलेक्टिव नाउन की, तो अब आपको ढेर सारे कलेक्टिव नाउन चाहिए ना लर्न करने। तो ये है सारे आपके लिए कि अगर बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, आप बोलोगे सर इसको ब्लैक किया, नहीं, हमारे लिए बैंड वर्ड जरूरी, कलेक्टिव नाउन। मैजिस्ट्रेट्स का बेंच होता है, बेंच एक का नहीं होता। गर्ल्स लेडीज की बीवी होता है, डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है, तो ये सारे वर्ड्स कलेक्टिव नाउन है। टू थ्री टाइम्स लिख के अगर आप लर्न करो तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ और वर्ड्स देखिए, यहां पर हमने क्या रखा? पीपल्स वाले कलेक्टिव नाउन रखे, लोगों के लिए, ग्रुप के लिए क्या कहते हैं? वैसे बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए मिलने वाले कलेक्टिव नाउन्स आपको इस वाली स्लाइड में मिल जाते हैं। अब आपको इन्हें लर्न करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कभी जाके आपको अगर पूछा कि मंकीज के ग्रुप को क्या कहते हैं, तो यू शुड से ट्रूप, है ना, यही जरूरी है। कब्स, इनके ग्रुप को क्या कहते हैं? लिटर ऑफ कब्स। जैसे बिल्लियों के लिए लिटर था, वैसे ये शेर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कब्स ही है, और वो कब्स के लिए भी लिटर वर्ड आ गया, उनका ग्रुप भी। अब ये है आपके लिए कलेक्टिव नाउन का थोड़ा सा होमवर्क। नीचे दिए गए वर्ड्स आपको ऊपर लेके जाके फिल करने हैं करेक्टली कलेक्टिव नाउन वाइज। आपने अगर पहली लिस्ट अच्छे से लिखी तो आपको ये सॉल्व करने में कोई हर्डल्स नहीं आएंगे। अब कलेक्टिव नाउन तो समझ आ गया होगा। अब नाउन का टाइप नंबर 10 अगर हम देखें तो ये सबसे इजीएस्ट है कि ये नाउन वो है जो दिखाता है कि किसी चीज का मालिक कौन है। जैसे फिश किसकी है? सीगल की। वैसे सीगल यहां पर एक वर्ड है,
लेकिन उसको यस लगाने से वो डिफरेंट हो गया। जैसे द बोट्स ओर, ये ओर किसका है? इस बोट का, लेकिन इसको बताने के लिए हमने बोट्स बना दिया। जैसे आगे अगर देखे तो इसे हम कहते हैं पजेसिव नाउन। जैसे ये काइट किसका है? लड़के का, बॉयज काइट, एक अपोस्ट्रॉफी लगा के यस लगाना पड़ता है। ये बलून्स किसके हैं? द गर्ल्स बलून्स। तो एक एड यस करने से अपोस्ट्रॉफी वो पोजेशन बताता है। पोजेशन का मतलब ओनरशिप, ठीक है? द नाउन विच शोज द ओनरशिप इज कॉल्ड पोजेसिव नाउन। डेफिनेशन क्या हुई? द नाउन विच शोज द ओनरशिप इज कॉल्ड पोजेसिव नाउन। जैसे अ पोजेसिव नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट इंडिकेट्स अ पोजेशन, का मतलब ओनरशिप। रिगार्ड्स एनी प्लेस, किसी प्लेस की ओनरशिप, चीज की ओनरशिप, आइडिया की ओनरशिप, ऑब्जेक्ट, क्वालिटी, एक्शन, एनीथिंग। माई ब्रदर्स लैपटॉप, किसका लैपटॉप है? भाई का। माई ब्रदर लैपटॉप नहीं बोला, ब्रदर्स बोला, तो ये यस लगने से ये हो गया मालिक उस लैपटॉप का। एमाज न्यू एप्पल आईफोन, जॉन्स बाइक, है ना, राहुल्स अम्ब्रेला, सिस्टर्स अम्ब्रेला, राहुल स्कूल, राहुल्स बाइक। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो जो आपके प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। अब पजेसिव नाउन के कुछ लास्ट एग्जांपल्स। व्हेन राइटिंग पजेसिव नाउन्स इन द सिंगुलर फॉर्म वी यूजुअली ऐड एन अपोस्ट्रॉफी। सिंगुलर लाइक डॉग है, डॉग्स बना दिया, गर्ल है, गर्ल्स कर दिया, मदर है, मदर्स, ये हो गए कलेक्ट, सॉरी, पजेसिव नाउन्स। इट शोज पजेशन, इट शोज पजेशन मीन्स ओनरशिप। अब कुछ और पजेसिव नाउन्स के यहां पर एग्जाम्पल्स है, कब यस लगना चाहिए, कब यस नहीं लगना चाहिए, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। डॉग्स हाउस, बुक्स वर्ड्स, गर्ल्स डॉल्स, बर्ड्स चिक्स, कार्स इंजिन, सिस्टर्स रूम, जिम्स पेन। ऐसे आप लोगों के लिए सारे की सारे यहां पर पजेसिव नाउन दिखाई दे रहे हैं। ये सारे कौन से नाउन दिखाई दे रहे हैं? दे आर पजेसिव नाउन्स, दे ऑल आर पजेसिव नाउन्स। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आप सभी लोगों ने उसे ध्यान से लिखना भी है, और जो दिखाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसकी पढ़ाई आप ऑन टाइम करोगे तो आपका भी ज्यादा अच्छा फायदा हो जाएगा उसमें। सो अब ये था हमारे लिए पजेसिव। ऑलमोस्ट अब सभी टाइप्स कंप्लीट हो गए। कैसे मैं बता सकता हूँ सभी टाइप्स कंप्लीट? क्योंकि इसके बाद हम कंबाइन में लास्ट के दो टाइप्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम कंबाइन में पढ़ेंगे लास्ट के दो टाइप्स। चलिए आगे पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पजेशन के। डोनर्स कार्ड्स, आर्म्स, सॉरी, आर्म चेयर्स, आर्म्स, एप्पल्स टेस्ट, एंकल्स बोन्स, ये सारी लिस्ट 60 सेंटेंसेस लाइक वर्ड्स है, जिनका मतलब हुआ एक फ्रेज टाइप क्रिएट दिख रहा है आपको, लेकिन ये वर्ड्स है, पजेसिव नाउन्स है सारे। होमवर्क हमने सभी टाइप का होमवर्क आपको दिया है, थोड़ा थोड़ा सभी सॉल्व कर लेना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अब लास्ट के 11 एंड 12, देखो मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था कि हम एक वीडियो में पूरे 12 टाइप्स पढ़ेंगे, और नाउन के 12 टाइप्स आपको पता है, अब किसी और को शायद ही पता होंगे। तो नाउन के बचे हुए दो टाइप्स है, प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर नाउन्स। तो सिंगुलर प्लूरल में जैसे एक होगा तो हम एप्पल कहते हैं, और ज्यादा होंगे तो एप्पल्स। आप बोलोगे सर इधर भी यस लगाया, ये अपोस्ट्रॉफी वाला यस नहीं, ये सादा वाला यस होता है, इसे प्लूरल बनता है अपोस्ट्रॉफी। अब आप बोलोगे सर इधर डियर और डियर तो सेम लिया। कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनका प्लूरल होता ही नहीं है, वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, इनका प्लूरल नहीं होता। जैसे मैंने आपको फर्नीचर बोला था, अब आप बोलोगे कुछ जगह पे डियर का डियर्स बताते हैं, होता है कुछ जगहों पे, अब इस पे ऑब्जेक्शन है, लेकिन डियर का डियर ही यूज करो। अब बढ़ते हैं आगे, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन थिंग, सिंगुलर नाउन नेम्स वन थिंग, एक चीज, एंड अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन, एक से ज्यादा, फिर वो 2, 4, 5, 100, कितने। जैसे इसको क्या कहूंगा मैं? कार। और इन दोनों को क्या कहूंगा? कार्स। एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है, एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है पजेसिव, मालिक बन जाएगी वो कार किसी चीज की। कार्स टायर बोलना पड़ेगा, कार्स मतलब दो गाड़ियां, तीन गाड़ियां, चार गाड़ियां, ऐसे हो गया प्लूरल एंड सिंगुलर। जैसे बर्ड का बर्ड्स हो जाएगा, एक बर्ड होगा तो बर्ड रहेगा, ज्यादा होंगे तो बर्ड्स। बुक होगी एक तो बुक, और एक से ज्यादा है तो बुक्स। कैट एक,
कैट्स 10 12 5 कितनी भी हो सकती है, लेकिन दो से ज्यादा ही रहेंगी। एक का हमेशा सिंगुलर आता है, डॉग डॉग जोन बन जाएगा, पेन का पेन्स बन जाएगा। ये हो गए सिंगुलर एंड प्लूरल साथ में हमारे लिए नाउन के टाइप्स। अब जैसे यहाँ डियर और डियर प्लूरल में दोनों सेम दिख रहा है, कुछ वर्ड्स सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में सेम ही रहते हैं, ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स होते हैं। अगर देखो आप तो प्रैक्टिस के लिए यस लगने वाले प्लूरल वर्ड्स है, बुक का बुक्स हो गया, बॉय का बॉयज हो गया, काउ का काउज हो गया, डोर का डोर्स हो गया, फ्लावर का फ्लावर्स है। एक यस ऐड करने से प्लूरल फॉर्म आ रहा है, अपोस्ट्रॉफी यस लगाने से पजेसिव हुआ था। अब कुछ और भी वर्ड्स है, देखिए आर्मी को हमने वाई को डिलीट करके आई ई एस लगा दिया, मतलब हमेशा यस लगाने से काम नहीं होगा, तो आपको वर्ड्स को ज्यादातर लिखना पड़ेगा ध्यान में रखने के लिए। काऊ का काउज हो गया, क्राई का क्राइज हो गया, देखिए आई ई एस लगाया, वाई होगा, तो अब ये रूल सीखना पड़ेगा आपको। इसे फर्दर स्टडीज के लिए आप एक्स्ट्रा हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हो, जहां पर हमने डेप्थ में सिखाया है कि आई ई एस वाई हटा के कैसे और कब लगता है, कब यस लगाना है, कब ई एस लगाना है, वो चीज है। अब नॉर्मल वर्ड का बर्ड्स हुआ, बैम्बू का बैम्बूज हुआ, लेकिन बेंच का बेंचेस ई एस लगाना पड़ा। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि लास्ट में सी एच था इसलिए ई एस लगाया है। इसके रूल्स आपको सेपरेट वीडियोस में हमने दे रखे हैं पहले। होमवर्क ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस, अब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और अब यहां पर हमारा वीडियो हो जाता है एंड। अगला वीडियो आपके इस वीडियो के रिस्पांस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा रिस्पांस रहेगा हम उतना ही जल्दी वीडियो बनाएंगे। अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड बाय।